प्रवीर सावरकरांची ही जी काही बलिदानाची गाथा आहे ती राहुल गांधींना कधीच समजू शकत नाही, त्याकरता या देशाचा इतिहास माहिती पाहिजे, या देशाच्या इतिहासातलं बलिदान माहिती पाहिजे. केवळ गांधी आडनाव लावून कोणाला गांधी होता येत नाही आणि त्यामुळे कालचं त्यांचं वक्तव्य हे पूर्णपणे निषेधार्ह आहे. उभा महाराष्ट्र आणि देश याच्यावर संतापात आहे, तो पेटून उठलेला आहे, याचे पडसाद निश्चित उमटतील. तर मला आश्चर्य वाटतं की कालपर्यंत ज्या सावरकरांबद्दल जाज्वल्य देशाभिमान हा शिवसेनेला वाटत होता, कालच्या त्यांच्या यावर त्यांनी जी काही रिएक्शन दिली आहे मला आश्चर्य वाटतं की कुठली सौदे माहिती आहे. आम्ही गांधी आणि नेहरूंना मानतो म्हणून तुम्ही सावरकरांना माना, ही कुठली सौदे माहिती आहे. गांधी आणि नेहरूंना मानलंच पाहिजे, पण ते मानतो म्हणून सावरकरांना मान नाही, सावरकरांना मानावंच लागेल. सावरकर देशभक्त होते, त्याच्याकरता फौजेबाजीची आवश्यकता नाही आहे. तुम्ही गांधी नेहरूंना आम्ही मानतो म्हणून तुम्ही सावरकरांना माना नाही, सावरकरांना मानावंच लागेल. या देशामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ज्या प्रकारचं जाज्वल्य राष्ट्रभक्ती आणि देशप्रेम दाखवलं आहे त्याकरता फौजेबाजीची आवश्यकता नाही आहे. मला असं वाटतं की सत्तेची लाचारी आज अशा प्रकारची सौदेबाजी करण्याकरता या ठिकाणी मजबूर करते आहे, पण त्यांची सौदेबाजी त्यांना लगला महाराष्ट्र आणि देश या विषयावर फेटलाय. आमचं स्पष्ट मत आहे, राहुल गांधींनी जाहीर माफी मागितलीच पाहिजे. सावरकरांचा अपमान केल्याबद्दल त्यांनी माफी मागितली पाहिजे असं आमचं स्पष्ट मत आहे. आणि आमची अशी अपेक्षा आहे की कालपर्यंत सावरकरांच्या बद्दल प्रेम दाखवणारे शिवसेनेचे नेते आज या विषयात इतके गारडेर का बोलतात. आम्ही गेली 5 वर्ष त्यांची वक्तव्य ऐकली आहे, ती कशी वक्तव्य होती आणि कालचं वक्तव्य कसं आहे. आणि म्हणून आता हे त्यांना ठरवायचं आहे की सत्तेची लाचारी किती ठरवायची, पण त्यांचा त्याला लगला. आम्ही मात्र या विषयावर निश्चितपणे भारतीय जनता पार्टीच नाही तर सर्व देशभक्त या विषयावर राहुल गांधींना माफ करू शकत नाही. आणि म्हणून हा विषय निश्चितपणे आज ठिकठिकाणी आंदोलनं चालली आहे आणि हा विषय राहुल गांधींनी माफी मागितल्याशिवाय मला असं वाटतं की शांत होऊ शकत नाही. कल ते महाराष्ट्र की विधानसभा का अधिवेशन शुरू हो रहा है. इस अधिवेशन में विरोधी पक्ष के रूप में हम लोग हिस्सा लेंगे. जनता के जो विषय है उन विषयों को सरकार तक ले जाने का प्रयास हम करेंगे, किंतु हमारे सामने दुविधा है, हम किसके सामने विषय रखें. कितने दिन हो गए सरकार की शपथ के बाद न मंत्रिमंडल का विस्तार है न खातों का बांटप है. लगातार ये बताया जा रहा है कि जो पोर्टफोलियो दिए हैं वो टेम्पररी है. सीनियर मिनिस्टर भी उसी प्रकार से ट्वीट करें तो किसके सामने हम विषय रखेंगे, कौन उसका जवाब देगा, जो जवाब देगा वो जवाब के लिए उत्तरदायी होगा क्या, या बाद में हाथ ऊपर करेगा कि उस समय तो मैं जवाब देने के लिए था लेकिन अब मेरे पास वो विभाग नहीं है. और इसलिए एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति, तीन पार्टियां एक साथ आई और मंत्रिमंडल का भी फैसला इतने दिनों में नहीं ले पाती कि किस प्रकार से सरकार चलाएगी, ये हमारे सामने प्रश्न है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने लगातार ये मांग की थी कि यहां पर जो असमय बारिश हुई है उसमें 93 लाख हेक्टेयर जमीन पर जो फसल थी उसको नुकसान हुआ है और इसलिए 25,000 रुपये हेक्टरी मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए. ये मांग उद्धव जी की स्वयं की थी. हमारी अपेक्षा यह है
कि तुरंत इसको पूरा किया जाएगा। 5-6 कैबिनेट की बैठक हुई पर इसके ऊपर चर्चा भी नहीं हुई, किसानों का विषय भी नहीं आया। और इसमें मांग करते हैं कि जो उन्होंने स्वयं घोषित किया था वो 25,000 रुपए के हिसाब से 23,000 करोड़ रुपया तुरंत सरकार किसानों के खाते में जमा करे, मुआवजा उनको अदा करे। इसके साथ साथ इस सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में और लगातार ये कहा था कि किसानों को पूरी कर्जा माफी मिलेगी, सब प्रकार के उनके लिए ऋण है, सब प्रकार के कर्जे हैं वो माफ किए जाएंगे और उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होगा, उसमें कोई भी प्रॉपर शर्त भी रखी जाएगी। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये सरकार कब करने वाली है, इसका कार्यक्रम क्या है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम ये सारी चीजें सरकार को याद दिलाने वाले हैं। कुल मिलाकर ये सरकार सभी की सरकार है, सारे कामों पर इन्होंने स्टे दिया है। ग्रामीण भागों में पीने के पानी की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 8,000 करोड़ रुपया दिया, उसके ऊपर भी स्टे दिया है। शहरी भाग हो ग्रामीण भाग हो सारे विकास के काम ठप है। और इसमें आज महाराष्ट्र में 6 मंत्री और मुख्यमंत्री ये जोरों से चल रहे हैं लेकिन सरकार रुकी हुई है, सरकार थमी हुई है, लोगों के काम नहीं हो रहे, इस प्रकार की अवस्था हमको देखने को मिल रही है। और इसलिए तुरंत लोगों के काम शुरू हो, विकास कामों पर जो अड़ंगा लगाया है उसको वापस लिया जाए, ये हमारी मांग है। कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीमान राहुल गांधी इन्होंने सावरकर जी के बारे में जिस प्रकार के अल्फाजों का उपयोग करके स्वातंत्र वीर सावरकर जी का अपमान किया, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि श्री राहुल गांधी इन्होंने तुरंत देश की और सावरकर जी की माफी मांगनी चाहिए। सावरकर जी एक ऐसे देशभक्त थे कि देश के इतिहास में ये अकेला क्रांतिकारी ऐसा है जिसको 2 बार काले पानी की सजा हुई, 12 साल से ज्यादा अंडमान के काल कोठरी में काले पानी में जिस प्रकार के अत्याचारों को सावरकर जी ने सहा है, देश के इतिहास में ऐसी मिसालें बहुत कम हमको दिखाई पड़ती है। अंग्रेजों ने जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया उसके बावजूद मातृभूमि का गुणगान ही वो हमेशा करते रहे, और ऐसे सावरकर जी को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम राहुल गांधी इन्होंने किया है, भारत और महाराष्ट्र उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि कल तक सावरकर जी का गुणगान करने वाली शिवसेना अब सत्ता के लिए क्यों इतनी लाचार हो गई कि वे कड़ा रुख भी नहीं अपना सकती, कड़े शब्दों में निंदा भी नहीं कर सकती, कड़ा रुख भी नहीं ले सकती। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार के ट्वीट शिवसेना की तरफ से आए हैं, ये कौन सी सौदेबाजी है कि हम गांधी जी और नेहरू जी को सम्मान करते हैं इसलिए आप सावरकर जी का सम्मान करें। हमको ये मान्य नहीं है, गांधी जी का नेहरू जी का सम्मान है कि लेकिन सौदे में सावरकर जी का सम्मान नहीं चाहिए। सावरकर जी का सम्मान कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, क्योंकि वो देशभक्त थे, देश के लिए उन्होंने कारावास सहा, देश के लिए उन्होंने अत्याचार सहे, अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई की, सालों सालों तक उनके कारण अनेक क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली। और इसलिए सावरकर जी का सम्मान ये किसी सौदे में हमको नहीं चाहिए, सावरकर जी का सम्मान है ही इस देश में, इस महाराष्ट्र में, उनका अपमान हम नहीं सहन कर सकते। लेकिन सत्ता के लिए लाचार लोग अगर ये अपमान सहन करने वाले होंगे तो महाराष्ट्र की जनता ये अपमान सहन नहीं करेगी, देश की जनता नहीं करेगी। इसके ऊपर जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हम लोग इसके ऊपर निश्चित रूप से आवाज उठाते रहेंगे। और किसी भी हाल में सावरकर जी या किसी भी देशभक्त का अपमान हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं।